तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है चैनल के नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग आप लोगों को देने वाले फ्री फायर एडिटिंग का थोड़ा सा ट्यूटोरियल। ठीक है, बहुत ही इजी ट्यूटोरियल होगा, आप लोग खुद भी कर पाओगे, बहुत ही इजी है। ठीक है, आप लोगों ने पबजी के बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे होंगे, लेकिन यार फ्री फायर के ट्यूटोरियल उतने बनते भी नहीं है और हैं भी नहीं। तो यार सोचा मैंने क्यों ना एक ट्यूटोरियल ला ही लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना टाइम गवाए। मेरा नाम है आयन, आप देख रहे हो नूबरा गैंग। लेट्स बिगिन। तो यार वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टिकन गेमिंग के चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो यार क्यों बैठे यार, कर दो सब्सक्राइब, दबा लो बाजू के बेल आइकन को। बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल के बटन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि हम जो लेटेस्ट वीडियो लाए उन सबके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने डिवाइस में मिल जाए और आप आके देख भी लो। तो यार सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से आप लोगों को एक पोज देकर फोटो खींच लेना है। ठीक है, आप लोग नीचे से देख सकते हो, जस्ट इतना सा होना चाहिए और सिर के ऊपर से इतना सा होना चाहिए, एक सनग्लास होना चाहिए और हाथ में एक मोबाइल होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को ठीक इसी तरीके से एक फ़ोटो खींच लेना है। ठीक है, और ये फ़ोटो जो है ये मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो अगर मैं होता तो ठीक से मतलब दिखा देता कि आप लोगों को कैसे करना है, ये थोड़ा गलती से है। ठीक है, आप लोगों को सिर थोड़ा और ऊपर रखना है। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर रखना है और मोबाइल को आप थोड़ा अगर मतलब थोड़ा सा हल्का सा नीचे रख लो तो फिर फ़ोटो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ये मेरा फ्रेंड है, मैं नहीं हूँ, क्योंकि यार मैंने कहा था कि मैं इतने जल्दी अपना फेस रिवील नहीं करने वाला। ठीक है, तो इसलिए मैं अपने फ्रेंड का फ़ोटो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यार ये जो देख रहे हो, तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है मैं बताता हूँ नेक्स्ट आप लोग क्या करना है। तो यार उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आ जाना है क्रोम ब्राउज़र पर डेटा ऑन करने के बाद, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखना है remove.bg, उसके बाद सर्च कर देना है। तो यार ये क्या करता है, आप लोगों के जो फोटोज़ होते हैं उसमें से ऑटोमेटिक बैकग्राउंड जो होता है वो इरेज कर देता है। ठीक है, तो आप लोग ये पिक्सेल से भी कर सकते हो, लेकिन यार मतलब अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत लोग कर नहीं पाते, तो इसीलिए मैं ये दे रहा हूँ ताकि यार इससे आप लोग ईजिली कर लो। तो यहाँ पर आप लोगों को वो फ़ोटो सिलेक्ट करना होगा, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वो फ़ोटो जो है। तो फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को आएगा प्रिपेयरिंग, उसके बाद अपलोडिंग। ठीक है, तो यार मतलब ये फ़ोटो जो है वो इनके यहाँ से अपलोड मतलब हो रहा है रेडी। ठीक है, तो यार ये है वो फ़ोटो, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये PNG बन चुका है। तो आप लोगों को सिंपली डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है और आप लोगों को उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड हो चुका है। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाने के बाद वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा बैकग्राउंड एंड PNG डाउनलोड। ठीक है, तो उस पर आप लोगों को जाना है। उस पर जाने के बाद आप लोगों को वहाँ पर एक चीज़ मिलेगा, वहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, एक शॉर्ट लिंक वेबसाइट है। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करना मतलब स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आप लोगों को ह्यूमन वेरिफिकेशन करना है। ह्यूमन वेरिफिकेशन करने के बाद आप लोगों को कुछ पूछ सकते हैं कि कहाँ का सिग्नल लाइट्स है, कहाँ पर वाटर पंप से, कहाँ का कार्ड से। तो यार ये देखकर आप लोगों को वेरीफाई हो जाना है। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को काउंटडाउन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। काउंटडाउन होने के बाद आप लोगों को नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद वहाँ पर गेट लिंक का ऑप्शन होगा, गेट लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोगों के सामने मीडिया फायर का एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को ये सारे जो फोटोज़ देख रहे हो ना, ये फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, उन चीज़ों को आप लोगों को डाउनलोड करना है, और उसके बाद आप लोगों को पिक्सट ऐप को डाउनलोड करना है। पिक्सट को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को इस फोटो को जो है पिक्सट में खोल लेना है। पिक्सट में इस फोटो को खोलने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ऐड फोटो का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐड फोटो पर आप लोगों को क्लिक करना है। ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक बुया का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बुया वाला जो है ये देख सकते हो, तो ये जो देख रहे हो ना, तो ये भी आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगा मीडिया फायर पर। ठीक है, तो आप लोगों को ये बुया वाला जो है इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो मतलब ये सारे आप लोगों को मिल जाएंगे, इनको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद मैं टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, तो यार देख सकते हो ये। ठीक है, तो यार इतना होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को
स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर से जाना है ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर आने के बाद आप लोगों को वो वाला फोटो क्लिक करना है जिससे आप लोगों ने बैकग्राउंड इरेज कर लिया हो, ठीक है। तो इस फोटो से मैंने बैकग्राउंड इरेज किया है, आप लोग देख सकते हो ये वाला। तो इसको बड़ा करो, ठीक है, थोड़ा और बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको बड़ा करते हैं, तो कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो इसको थोड़ा नीचे ला सकते हैं जिससे थोड़ा बुया वाला दिख जाए, ठीक है, ये देख सकते हो इतना सा। तो अभी आप लोगों को उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा एडजस्ट, ठीक है। तो आप लोगों को एडजस्ट पर आना है, एडजस्ट पर आने के बाद आप लोगों को थोड़ा इसको कम करना है, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा रियलिस्टिक अभी लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपका भी ऐसा हो, ठीक है, तो आपका भी ज़्यादा वाइट लगे इस बैकग्राउंड के साथ, तो आप लोगों को इस एडजस्ट को थोड़ा कम कर लेना, मतलब ब्राइटनेस पर आ जाएगा एडजस्ट पर क्लिक करते ही, उसके बाद आप लोगों का ऐसा थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा मतलब इसको नहीं, ठीक है, आप लोगों को ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, तो आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है, यही अच्छा लग रहा है, इससे भी कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, करके बता रहा हूँ, ठीक है, इससे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नहीं उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। शैडो थोड़ा कम कर देना, ठीक है, शैडो इस तरीके से थोड़ा कम कर देना तो अच्छा लगेगा। और हाईलाइट्स की कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे फिर भी थोड़ा कम कर दिया। तो ये जस्ट आप लोगों को मैं जैसे कर रहा हूँ उतना नहीं करना, आप लोगों को बस इतना समझ कर करना है कि आप लोगों को कौन सा ठीक लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को टिक कर देना है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं जितना जो किया वही करना होगा, ठीक है। तो मैं टिक कर दिया, तो अभी इतना हो गया, ठीक है। अभी इतना होने के बाद आप लोगों को क्या करना है मैं बता रहा हूँ। तो दोबारा से आप लोगों को जाना है ऐड फोटो पर, ऐड फोटो पर आने के बाद आप लोगों को फिर से जाना है नीचे, नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा हेयर PNG, ठीक है। तो हेयर PNG को भी आप लोगों को यहाँ से सिर पर लगा देना है, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से आप लोगों को लगा देना, मैं जस्ट थोड़ा वेट करो दिखाता हूँ, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप लोग इस साइड पर देख रहे हो, इस पोर्शन पर थोड़ा बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग एक अतिक्रम कहेंगे, ठीक है, थोड़ा काम है। तो यहाँ पर आप लोगों को जस्ट क्या करना है, इतना हो जाने के बाद, ठीक है, मैंने इसको फिट कर लिया है, और आप लोगों को फिर से प्लस के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो ऐड फोटो, आप लोगों को फिर से ऐड फोटो पर जाने के बाद इसी हेयर PNG को फिर से लगाना है। ये जो मैंने पहले ही कह दिया है, ये सारे जो फ़ोटोज़ होंगे एक्स्ट्रा जो आप लोगों को लगेंगे, ये सारे फ़ोटोज़ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएंगे लिंक से, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा हल्का ठीक कर लेते हैं, ठीक है। ये रिमूव पर क्लिक करते ही यहाँ से आप लोगों को उस जगह पर देना है जहाँ पर आप लोगों को थोड़ा रिमूव करना है। यहाँ पर रिमूव करने की थोड़ी ज़रूरत थी, ओके। तो देख सकते हो, तो अभी हम लोग टिक कर देंगे, कुछ इस तरीके का लग रहा है, उसके बाद टिक कर लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया, अभी इसके बाद आप लोगों को क्या करना है मैं बताता हूँ। आप लोगों को इसके बाद यार फिर से जाना है ऐड फोटो पर, ऐड फोटो पर आने के बाद आप लोगों को नीचे जाना है, फिर यहाँ पर फ्री फायर लिखा होगा, ठीक है, इसको आप लोगों को थोड़ा बड़ा करना है, ये देख सकते हो, थोड़ा छोटा भी लगा लेते हैं, परफेक्ट जो आ जाए, ठीक है। इतना देख सकते हो, ये परफेक्ट लग रहा है, अभी टिक कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, फिर से ऐड फोटो पर जाना है, और अभी आप लोगों को एक डस्ट मिलेगा, ठीक है, इस डस्ट को लेना है, ये देख सकते हो, ये सारे जो PNGs है आप लोगों को मिल जाएंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसकी उसको थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है, डस्ट को थोड़ा कम कर देते हैं। तो देखो थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है, और अभी इसको टिक कर देते हैं। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अभी डेटा ऑन करना है, ठीक है, डेटा ऑन करना है, तो मैं डेटा ऑन कर लेता हूँ। डेटा ऑन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा
स्टिकर का ऑप्शन, ठीक है। स्टिकर का ऑप्शन आप लोगों को वैसे भी मिलता है, लेकिन आप लोगों को अभी डेटा ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टिकर्स आप लोगों को डेटा ऑन करने के बाद ही मिलेंगे। यहाँ पर सर्च के बटन पर जाना है। सर्च के बटन पर आने के बाद आप लोगों को यह सर्च करना है फ्री फायर, उसके बाद सर्च कर लेना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे। आप लोगों को यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हो, ठीक है, ये वाला आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं डेटा को अभी ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को इसको छोटा करना है, ठीक है। आप लोगों को मोबाइल में जितना सा जगह हो उतना सा जगह पर ही लेना है। तो यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर देना है, इन जगहों को देख सकते हो, ठीक है, हल्के से। थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको ये अगर आप लोग देख रहे हो कि कुछ इस तरीके का है, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा कम कर लेना है इसको, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो आप लोगों को उसके बाद टिक पर क्लिक कर देना है। देन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फिर से जाना है ऐड फोटो पर, ठीक है। ऐड फोटो पर आने के बाद आप लोगों को वो डस्ट का जो इमेज होगा, ठीक है, मतलब PNG, वो PNG आप लोगों को फिर से यहाँ पर लगा लेना है। अभी इस हाथ पर लगाना है, ठीक है। आप लोग चाहे तो, मैंने उच्च स्टिकर से ये वाला फ़ोटो जो है लिया है, आप लोग चाहे तो और फोटोज़ ले सकते हो, ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी है। वहाँ पर बहुत सारे हैं, आप लोगों को जैसे थोड़ी ढूंढने की ज़रूरत है। अभी यहाँ से इन जगहों को हल्का सा रिमूव करेंगे इन डस्ट का, ठीक है। तो अभी इसको देख सकते हो, इसको थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमें टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो ये एडिटिंग फर्स्ट यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। इस एडिटिंग जो है ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हमें थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। अभी हमें क्या करना होगा मैं बताता हूँ आप लोगों को। जस्ट यहाँ पर इस वाइट पर क्लिक करना है, यह टिक, उसके बाद आप लोगों को गैलरी पर सेव के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा दिखाता है, आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा बैक करना है, उसके बाद फिर से जाना है और यहाँ पर क्लिक कर लेना है, तो गैलरी पर हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मैं बस अभी आप लोगों को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से Lightroom ऐप, ठीक है। Lightroom सर्च करना आप लोगों को मिल जाएगा। तो यार यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा Lightroom ऐप ओपन हो चुका है। तो यार ओपन होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ऑल के बटन, ऑल फोटोज़ पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा एक गैलरी का ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा गैलरी का साइड में देख सकते हो, प्लस में लिखा है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद यार यहाँ पर ये जो फोटो देख रहे हो ना, ये मैंने जो फोटो है उसको आप लोगों को ऐड कर लेना है, जो कि आपने पिक्सेट पर एडिट किया होगा। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस फोटो को जो है यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का आएगा फोटो। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो देख सकते हो यहाँ पर फोटोज़ का कुछ प्लस जैसा बना हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। ये कुछ ऑटो टाइप का है, ठीक है। तो ये ज़्यादा आप लोगों को कुछ करना नहीं होता, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद आप लोगों को जस्ट क्या करना है, यहाँ पर ये सन का जो ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पर जाना है। उसके बाद आप लोगों को जितना खुद का पसंद है, ठीक है, ये चीज़ जो होती है ना, ये आप लोगों को खुद जितना पसंद आता है ना उतना ही अच्छा है। ये आप लोगों को खुद से करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ, आप लोगों के आँखों में मतलब जो अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो आप लोगों को अच्छा लग रहा है देखने में, आप लोगों को वैसा रखना है, ठीक है। जैसे कि देख रहे हो, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे सोच के या फिर आप लोगों को नहीं बताऊँगा कि इतना करो, ये करो, वो करो। जस्ट आप लोगों को खुद की मर्ज़ी से आप लोगों को जितना अच्छा लगे, ठीक है, उस तरीके से ही चीज़ों को आप लोगों को रखना है। आप लोग यहाँ पर जस्ट खुद ही देख सकते हो यार, ऐसे विग्नेट कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, ये जस्ट आप लोगों को खुद को ही देखना होता है। तो देख, इससे क्या होता है, इससे आप लोगों को इमेज जो होता है ना, इमेज में थोड़ा देख सकते हो यार। मैं आप लोगों को ये कलर एडिटिंग हो जाने के बाद लास्ट में दिखाऊंगा कि
फोटो पहले कैसा था और अब कैसा हो चुका है। ठीक है, तो यार अभी देख सकते हो रहा है, जस्ट थोड़ा सा है टाइम, वेट करते हैं, अभी कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो इतना ही कर लेते हैं, और अगर आप चाहो तो यहाँ से और भी एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं दिखा देता हूँ पहले ये फ़ोटो कैसा था। देख सकते हो पहले ये फ़ोटो कुछ इस तरीके का था, और अब देखो कितना अच्छा दिखने को लगा है। तो अभी आप लोगों को टिक के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यार यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना होता है, जस्ट वेट करो। ओके, टिक के बटन पर नहीं, मैंने थोड़ा गलत किया था, ये तीन डॉट्स पर क्लिक करना होता है। उसके बाद आप लोगों को नीचे आना होता है, यहाँ पर लिखा होता है सेव टू डिवाइस, सेव टू डिवाइस पर क्लिक करना होता है, और यहाँ पर आप लोगों को हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी पर क्लिक करना होता है। तो उसके बाद यार ये फ़ोटो जो है, ये आपका फ़ोटो सेव हो जाता है। थोड़ा वेट करो, प्रिपेयरिंग लिखा आ रहा है। ठीक है, तो यार हो चुका है ये फ़ोटो। तो यार यही था एडिटिंग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो पहले हमारे आज के वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि यार वो भी ये एडिटिंग कर पाए, क्योंकि यार बहुत मस्त लगता है। ठीक है, और यार वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि यार हम जो लेटेस्ट वीडियो लाए उन सबके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप आके देख भी लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।